तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लॉच नेस मॉन्स्टर के बारे में। ये एक मिस्टीरियस सजीव है जो कि स्कॉटलैंड की लॉच नेस नदी के अंदर पाया जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये जीव सच में वहाँ पर है या फिर ये सब फेक है। लॉच नेस मॉन्स्टर ये एक प्लेजियोसॉरस जैसा दिखने वाला जीव है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सबूत। वैसे इसके आज तक कई सारे सबूत मिले हैं और इस सब की शुरुआत होती है 1870 से। उस वक्त कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया लेकिन उन पर कोई यकीन नहीं करता था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मॉन्स्टर को देखा था लेकिन इसका पहला सबूत मिला 1934 में। ये फोटो, लेकिन ये फोटो फेक थी। इसे एक मूर्ति वहाँ से खींचा गया था। ये फोटो उससे पहले खींची गई थी लेकिन ये फेमस नहीं हो पाई। उसके बाद 1938 में ये फोटो खींची गई। फिर 1954 में एक जांच के द्वारा पता चला कि 146 मीटर नीचे एक अजीब सा जीव है और उसके बाद वो और नीचे गया और संपर्क टूट गया। और फिर 1955 में ये फोटो, 1960 में ये फोटो और उसके बाद 1972 में ये फ़ोटो मिली जिसमें दो फिन जैसे दिखने वाली चीज़ें कैप्चर हुई है और ऐसा कहा जाता है कि ये उसी जीव का एक सबूत है। और फिर 1975 में ये दोनों फोटोज़ मिली जिसमें साफ साफ ऐसा एक जीव दिखाई दे रहा है। और फिर 2014 की इस फोटो में वैसा ही एक जीव दिखाई दिया। लेकिन हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है 2018 में। लेकिन वो बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा देना। 2018 अमेरिका के जॉर्जिया के बीच पर ये जानवर दिखाई दिया। ये बिल्कुल लॉक नेस मॉन्स्टर जैसा ही लग रहा था। जिन लोगों ने इसकी ये वीडियो बनाया उनका कहना है उन्हें लगा था कि ये मरा हुआ एक सील है। तो वीडियो के एंड में हमें अपने सवाल का जवाब तो मिल गया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए।